आओ बच्चों, आज हम तुम्हें एक नई कहानी सुनाते हैं। एक बार एक एलिफेंट सुबह सुबह घूमने जा रहा था। वह बहुत खुश था। लो 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 लो। तभी उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ मंकी दिखाई दिया। आपको पता है मंकी कितने नॉटी होते हैं? वह मंकी एलिफेंट को देखकर हंसने लगा और चिढ़ाने लगा। अरे हाथी, तुम कैसे दिखते हो? तुम कितने मोटे हो? देखो देखो, तुम कैसे काले काले हो? तुम्हारे दांत भी बाहर है। किक 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 किक, तुम्हें देखकर मुझे कितनी हंसी आती है। यह सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह एक मोटी लकड़ी लेकर आया और मंकी को मारने दौड़ा। मंकी डरकर भाग गया। अगले दिन एलिफेंट फिर से सुबह घूमने जाने लगा। चलते चलते उसे एक बहुत ही प्यारी सी कैट दिखाई दी। कैट बड़ी प्यारी थी। उसने हंसकर एलिफेंट से कहा, गुड मॉर्निंग एलिफेंट, आप कैसे हो? एलिफेंट, आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप कितने बिग हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो। मैं आपकी फ्रेंड बन सकती हूँ? यह सुनकर एलिफेंट बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे कैट, तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। चलो हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद एलिफेंट और कैट दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए और मिल मिलकर खेलने लगे। तो देखा बच्चों आपने, अगर हम सबके साथ प्यार से बात करेंगे तो सब हमें प्यार करेंगे और हमारे फ्रेंड बन जाएंगे। इसीलिए हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए और कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अच्छी लगी? ओके, थैंक यू। हम चलते हैं, फिर आएंगे नई कहानी के साथ। बाय।